सिंस इवनिंग आई हैव रिसीव्ड एम्पल ऑफ मैसेजेस कि मैम आरजेएस की जो सीट्स को नोटिफाई किया है इसका एग्जाम कब होगा और न्यू क्रिमिनल लॉज पढ़ें या फिर हम एग्जिस्टिंग सीआरपीसी आईपीसी एविडेंस पढ़ें। तो देखिए एग्जाम कब होगा इसका एक एब्सोल्यूट आंसर तो मैं भी नहीं दे सकती हूँ, आई एम नॉट इन कमीशन, बट यस हम एक प्रोबेबिलिटीज पर बातें कर सकते हैं। वो ये कि अगर क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी मार्च में, मिडल ऑफ द मार्च, 15 मार्च से, तो अगर उससे पहले इन्होंने डेट्स दे दी तो मे भी हो सकता है भाई मई में पेपर वो ले लें, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि कोई भी डेट नोटिफाई नहीं होती है 15 मार्च तक, तो उसके बाद फिर वो पेपर जो है एक्सटेंड हो जाएगा जून जुलाई तक मुझे अप्रॉक्सीमेटली लगता है, क्योंकि फिर इलेक्शंस के बाद ही जो है डेट दी जाएगी और एग्जाम को कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये तो हुई एग्जाम की बात पहली, आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए, वेट फॉर मोर अ वीक और फॉर 10 डेज, तो पिक्चर एग्जाम कब होगा ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी। रही बात कि हम न्यू क्रिमिनल लॉज पढ़ें या हम एग्जिस्टिंग सीआरपीसी आईपीसी एविडेंस पढ़ें, तो देखिए अगर पेपर आगे एक्सीड होता है तो देर इज नो पॉइंट कि वो पुराने लॉज दें। क्यों? क्योंकि 1 जुलाई के बाद पूरे देश के आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट के जो बैरक्स हैं वो डस्टबिन में ही जाने वाले हैं, तो जब वो हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, वी विल नॉट गवर्न बाय देम, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गिविंग सीआरपीसी आईपीसी एविडेंस इन सिलेबस। तो थोड़ा सा सोचिए इस बारे में, और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप न्यू क्रिमिनल लॉज को आप अवॉइड मत करिए, पढ़िए। जिन्होंने सफिशिएंटली पढ़ाई कर, जिनको आता है आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस, तो मान के चलिए कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है। सेक्शंस पे तो जीरो से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, लेकिन आपकी अगर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप उस पर काम कर सकते हैं, और अभी टाइम है तो आप उस पर काम करिए। और मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं होली के बाद अपने YouTube चैनल पे न्यू क्रिमिनल लॉज को लेकर प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो है कुछ वीडियोस को या फिर लाइव आके मैं पढ़ाऊंगी। दैट आई हैव नॉट डिसाइडेड थ्रू वीडियो और थ्रू अ लाइव, बट यस आफ्टर होली ज्योति जुडिशरी से मैं ही जो है कंडक्ट करूंगी उन क्लासेस को, लेकिन दोज क्लासेस विल रिमेन ऑन प्रीलिम्स ओरिएंटेड। और अगर आप कॉन्क्रीटली पढ़ना चाहते हैं, मतलब मेंस इंटरव्यू लेवल तक पढ़ना चाहते हैं, तो होली के बाद हमारे क्लासेस में भी, जो हमारी रेगुलर क्लासेस हैं उसमें जो है हमारा क्रिमिनल लॉ स्टार्ट हो रहा है, तो सीआरपीसी आईपीसी एविडेंस जो है वो एग्जिस्टिंग लॉ के साथ न्यू क्रिमिनल लॉज के साथ पूरे उनको कंपैरिजन के साथ टिल इंटरव्यू स्ट्रैटेजी से पढ़ा जाएगा, लेकिन यूट्यूब पर आई विल कवर ओनली प्रीलिम्स ओरिएंटेड। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो इंस्टीट्यूट पर कॉल कर सकते हैं और अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं, लेकिन अदरवाइज यूट्यूब पर प्रीलिम्स ओरिएंटेड आई विल कम। चलिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।